वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा ये प्रैक्टिस सेशन होगा फंक्शन का। जैसा कि मैंने आपको सुबह की क्लास के अंदर रेंज और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे, मतलब कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उन्हीं की अब बारी है आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के साथ में फोड़ने की। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए। लेक्चर नंबर 57 मिशन 2021 प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 होगा फंक्शन का। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। और डाउनलोड करने के बाद में आपको ये वाली कैटेगरी उसमें चूज करनी है, एनडीए एयरफोर्स नेवी एक्स वाई कैटेगरी। ये चूज करने के बाद में वहाँ पर फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो आर एस सर का क्लास आता है सुबह 8 बजे, ज्वाइन करिएगा, ये फ्री क्लास है। लेकिन अगर किसी बच्चे को पेड कोर्स लेना है तो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेज ये रहेगा आपके पास। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो इन चार्जेस के अंदर, लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर लेते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो एक्सप्लोर कर पाओगे एक ही कोड का यूज करके। किसी भी टीचर की क्लास आप देख सकते हो। लेकिन बच्चा ध्यान रखिएगा एक चीज़ को, वहाँ पर मेरी जो क्लास है वो प्लस पर नहीं है, अनअकैडमी पर मेरी कोई क्लास नहीं है। तो मेरे भरोसे आप अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो क्लासें होती है वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होती है। क्योंकि काफ़ी बच्चों की सोच ये भी है ना कि एनडीए के अंदर फ्री में सिलेक्शन थोड़ी होता है, एनडीए में फ्री में सिलेक्शन थोड़ी होता है। तो सर सोच का तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा। टीम स्पेस आर एस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको हर क्लास का पीडीएफ और कोई अपडेट, कोई नोटिफिकेशन अगर आपको देना हो तो यहाँ पर आपको दिया जाता है। आप ज़रूर से इसको ज्वाइन करें, इस पर 32,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है, आप भी इस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आपके सपनों को हकीकत पर बदलने का पूरा प्रयास इस टीम के द्वारा जारी है। और ये हमारे क्लास की टोटल टाइमिंग रहती है, सुबह 7 बजे क्लास आती है दंगल बैच की 9 AM पर। बेटा जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं ध्यान रखिएगा, कल मैं स्टार्ट करूँगा इस दंगल बैच में डिफरेंशियल इक्वेशन इस क्लास में आपका स्टार्ट होने वाला है, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 2 क्लास के अंदर इसका मैं बाइंड अप कर दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन शानदार टॉपिक है। ठीक है, 10:10 पर आपका फिजिक्स का नया टॉपिक कल और स्टार्ट होगा। तो चाहे दंगल का हो, चाहे कोई से भी बेच का हो, जैसे भी आपको टॉपिक जहां से मिल रहा है कंप्लीट करके साइड में रखो यार, क्यों बोझ पाल रखे हो। ठीक है ना, हाँ कंप्लीट करके साइड में रखो, टेंशन खत्म हो, सिलेबस कंप्लीट करना है अपने को। 11 बजे आपको मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट चलता है। और मैथ्स का कॉन्सेप्ट के अंदर कल पढ़ाऊंगा मैं 1, 1, many, 1, on, 2, in, 2 टाइप के फंक्शन। ठीक है, 12 बजे की जो क्लास है वो इंग्लिश की क्लास आती है, इसमें भी नया टॉपिक हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, ये भी आप जरूर ज्वाइन करें, नहीं तो 12 बज जाती है। और 2:30 PM पर आपका प्रैक्टिस सेशन होता है मैथ्स का, 4 PM पर ये 2:30 लिखा हुआ है, लेकिन 4 PM पर आपका टाइमिंग रहता है इंग्लिश की क्लास का। ठीक है, तो आप जरूर से क्लासेस ज्वाइन करें। ये देख लो आपके लिए खुशखबरी है ना, फिजिक्स के PYQs का महामैराथन, फिजिक्स के PYQs का महामैराथन। और गुरुजी आएगा आपका सैटरडे को, आएगा ये सैटरडे को आने वाला है 5 PM पर। ध्यान रखिएगा सैटरडे को, संडे को नहीं, सैटरडे को। और सैटरडे को 5 बजे, शाम को 5 बजे आपके पास एक क्लास आने वाली है। आप बोलते हो गुरुजी बहुत प्यार दिया, फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस कम हो पा रही है, लो जी सोच लिया टीम ने और फिजिक्स का मैराथन। अब आप सोच रहे हो इंग्लिश में कम हो पा रही है, नहीं बेटा ये लो यहाँ पर टीम के अंदर आपस में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। कई तो टीम में ये होता रहता है कि यार कौन क्लास लेगा, यहाँ पर कॉम्पिटिशन आपस में चलता रहता है। पिछली बार मैथ्स का फिजिक्स का हो गया तो इंग्लिश वाले सर भी तैयार हो गए, मैं भी लेऊंगा। तो यहाँ आपस में कंपटीशन है, क्लास लेने का, क्लास छोड़ने का नहीं, क्लास लेने का कंपटीशन है। ये है टीम का पोटेंशियल जो आप देखना चाहते हो। इंग्लिश का महामैराथन ये लगेगा सर संडे को सुबह 9 बजे, संडे को सुबह 9 बजे इंग्लिश का महामैराथन आपके पास PYQs का होगा। तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा अभी से, है ना। चलो जी अब आ जाओ भाई, है ना, आ जाओ फटाफट से। चलो बच्चा एक बार सारे के सारे बच्चे माँ बाप के रेस्पेक्ट में, अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में आई लव माई पेरेंट्स एक बार लिख दें, उनके जोश के साथ में, उनके आशीर्वाद के साथ में। ये जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा उसमें से एक एक क्वेश्चन को आपको उड़ाना है फटाफट से। एक एक का बच्चे का कमेंट देखना चाहूंगा, आई लव माई पेरेंट्स। फटाफट से स्टार्ट हो जाओ सर, फटाफट से आई लव माई पेरेंट्स। और इतनी खुशखबरी आपको मिल गई है,
अब यार अब तो कम से कम क्लास का शेयर हो ही जाना चाहिए है। अभी भी कंजूसी, अभी भी कंजूसी, कितनी कंजूसी चाहे तुम कितनी भी क्लास लगा दो सर, हम हमारे हिसाब से करेंगे शेयर। चलो बच्चा, चलो भाई, क्लास को शेयर जरूर करिएगा बेटा, क्लास को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है। ऑफलाइन के अंदर तो आपको इसका ये मान के चलो 50% भी कंटेंट नहीं मिलता होगा, 50% क्लासें भी नहीं मिलती है, जितनी हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लासों पे क्लासें आपको लेके लिए लेकर आते हैं, महामैराथन लेके आते हैं, ठीक है ना। आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन आपका चलेगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में रहती है, लेकिन आपका प्यार एंड सपोर्ट मिलेगा तो पॉसिबल हो पाएगा। चलो बच्चा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, पहला सवाल आपके सामने पेश है, पहला सवाल आपके सामने पेश है, जवाब देना इस क्वेश्चन का, क्या आपके पास राइट आंसर होगा। एफ एक्स इक्वल टू कोस लोग एक्स और एफ एक्स इंटू एफ वाई -1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई। बोलो जी, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ जी, फटाफट से। हाँ चलो जी, देखो एफ एक्स तो आपको दे रखा है गुरुजी, एफ वाई कैसे आएगा, एफ वाई आएगा जब यहाँ पर वाई रखेंगे, तो ये आएगा एफ वाई का मतलब है कि आपके पास आएगा कोस लोग वाई आ जाएगा, कोस लोग वाई आ जाएगा, ये एफ वाई आया गुरुजी। एफ एक्स अपॉन वाई का मतलब क्या है, एक्स अपॉन वाई का मतलब है कि यहाँ पर एक्स की जगह एक्स अपॉन वाई आएगा, कोस लोग एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई, अपॉन में दो संख्याएं आती है, तो लॉग का रूल ये कहता है कि वो संख्याएं लिखी जाएगी अलग अलग माइनस में, क्या लॉग एक्स माइनस लॉग वाई करके वो लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं आपके पास एफ एक्स इंटू वाई, तो वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कोस लॉग एक्स इंटू वाई, और एक्स इंटू वाई अगर लिखा हुआ है, लॉग में दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं, तो उसको अलग अलग लॉग में लिखा जाएगा प्लस में, तो वो आ जाएगा लॉग एक्स प्लस आपके पास आएगा लॉग वाई आएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं जो कैलकुलेशन करूंगा वो इसकी कैलकुलेशन करूंगा, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तो गुरुजी इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आएगा लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई, ये तो है सर कोस के अंदर, और प्लस है आपके पास कोस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर सर यहाँ पर हम ऐसा करें, इसको सी मान लें और इसको डी मान लें, तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos, दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड, तो बचेगा आपका log x बचेगा, और एक बार माइनस करके जब डिवाइड करोगे तो माइनस log y बचेगा, लेकिन cos में माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रखा है 1/2 से, और ये संख्या है माइनस में, तो ये देख लीजिएगा माइनस कोस लोग एक्स इंटू कोस लोग वाई, और एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये और ये दोनों कैंसिल आउट होके आपके पास 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आएगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/2 कहाँ से आ गया, 1/2 कहाँ से आया, आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। माइनस का 2 कैसे आ गया, माइनस 2 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। एफ एक्स इंटू एफ वाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, कोस लॉग एक्स इंटू कोस लॉग वाई आएगा, सही बात है ऐसा, और वो है क्या माइनस का 1/2, और एफ एक्स अपॉन वाई उसकी जो वैल्यू है ये वाली है, और ये वैल्यू जो आपके पास है वो किस में आ रही है सर, ये आ रही है आपके पास कोस 2 cos लॉग एक्स कोस लॉग वाई, तो ये 2 से 2 गया, ये प्लस का ये माइनस का कट कटा के आपके पास आया 0, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, लड्डू आंसर है ना। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने पेश किया जाए, चलो जी बताते रहो, अब फटाफट से बताते रहो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन का तो कर लिया अपन ने, डोमेन मैंने बता दिया था, ये फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये आपको बताना है, डोमेन और रेंज क्या होगा, फटाफट से बच्चा फटाफट से बताओ डोमेन और रेंज क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन देख लो एक बार, रेंज देख लो, बस काम हो गया, बताओ क्या होगा, क्या कौन सा ऑप्शन सही है, कि गुरुजी एलजेब्रिक फंक्शन है और एलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, आर होता है, एलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन आर होता है, इसका मतलब ये आर पॉजिटिव दे रखा है ना, तो ये एक ऑप्शन तो गायब है। गुरुजी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है आर पॉजिटिव यूनियन जीरो, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो,
लेकिन आर पॉजिटिव एक में लिखा हुआ है, यूनियन जीरो नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन होना तो वास्तव के अंदर यही चाहिए होता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसमें राइट मान लिया जाएगा, नन ऑफ दीज होता तो वो राइट आंसर होता, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं है तो एक्यूरेट आंसर आपका फिर ये माना जाएगा, आर और आर प्लस होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन इसमें मान लिया जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। फताओ फटाफट से आपको डोमेन और रेंज बताना है इस क्वेश्चन का, डोमेन और रेंज आपके पास क्या होगा बेटा। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है अपने साथ के बच्चों को जगा के ले आओ फटाफट से, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छांट कर लाता हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। गुरुजी ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, और क्यूबिक फंक्शन के लिए गुरुजी डोमेन जो होता है, डोमेन जो होता है एलजेब्रिक के लिए डोमेन होता है, चाहे वो कोई सा भी हो। दूसरी बात गुरुजी, इसका जो रेंज होगा वो होगा आपके पास पावर इवन है, और पावर इवन के केस में डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, आर होंगे। दूसरी बात, अगर मैं इसका ग्राफ आपके सामने बनाऊं तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है याद रख लेना, कल काम में आएगा इसका ग्राफ। और बेटा कसम गंगा मैया की, ध्यान रख लेना, अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास में मुझे ये बोल दिया कि ग्राफ कैसे बनाया है, फोन में घुस के मारूंगा, क्योंकि मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया है टेलीग्राम पर, आज की रात को देख लेना वो वाला वीडियो, ठीक है ना। आज की रात को वो वाला वीडियो जरूर से देख लेना ग्राफ का, बिना ग्राफ के कल की क्लास के अंदर एंटर मत होना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे बात समझ में, जिन्होंने भी नहीं देखा है ग्राफ का वीडियो, वो ग्राफ का वीडियो देख लेना, क्योंकि ग्राफ को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल की क्लास के लिए, 1-1 मिनी 1 2 2 के लिए उड़ाएंगे क्वेश्चंस को। चलो जी, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर आपका ये रहा, आपको बताना है इस क्वेश्चन का डोमेन स्क्वायर रूट कोस एक्स। हाँ जी बोलो। ग्राफ वाली क्लास का वीडियो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया बेटा, है ना, टेलीग्राम पर डाल दिया था कल शाम को 7:30 बजे, आज और मैं शेयर कर दूंगा उसको, ठीक है। हाँ चलो जी जवाब दो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर, क्योंकि बच्चा ये है क्या, मतलब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि मतलब आप ट्रिक भी सीख पाओ, कॉन्सेप्ट भी सीख पाओ, सारी चीज़ें सीख पाओ। इस वजह से अपना वो ग्राफ का वीडियो है वो देखना ज़्यादा पॉसिबल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, ग्राफ बताए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई है। चलो जी, डोमेन आपको बताना है इसका डोमेन क्या होगा। गुरुजी डोमेन जब निकालते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या, स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या जीरो या जीरो से बड़ी। आप मुझे बताओ पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कोस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, कोस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, कि एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड के अंदर तो नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव और इसके अंदर पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक तो फर्स्ट में और एक फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ का आप क्या करोगे यूनियन, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, इसमें क्लियर है, बी ऑप्शन आपका राइट है, फर्स्ट और फोर्थ के अंदर, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है बी ऑप्शन के अंदर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपका फाइव क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन याद आया, क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर, हाँ लॉजिक याद आना चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का, लॉजिक याद कर लो आप लोग, लॉजिक याद करो फटाफट से, है ना, जवाब दो क्या होगा। हाँ बोलो 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 फटाफट से। गुरुजी क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर आपने ये बताया था कि माइनस का डी अपॉन फोर ए से लेकर इनफाइनेट बोला था क्या मैंने, अरे ऐसा बोला था माइनस डी अपॉन फोर ए से इनफाइनेट। अरे गुरुजी इनफाइनेट तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें तो माइनस इनफाइनेट है, सरासर गलत है। अब बात रही माइनस डी अपॉन फोर ए की, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालो, देखें बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, बी की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है ऐसा, तो ये आएगा आपका 49 माइनस 120, 49 माइनस 120 करोगे तो कहीं ना कहीं 71 आएगा, माइनस का 71 सही है क्या, माइनस का 71 अपॉन 4 इंटू ए करोगे तो 12, इसको वैल्यू रखोगे तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर, लो जी बी ऑप्शन आपका राइट है गुरु जी, बी ऑप्शन आपका राइट है। बोलो लॉजिक सेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सेट, अरे कुछ नहीं करना पड़ा बेटा, है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ा, इस तरीके से हम रेंज काउंट कर लेंगे माइनस डी अपॉन फोर ए से इनफाइनेट तक।
चलो जी आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौन सा फंक्शन है ये? ए की पावर एक्स। गुरुजी ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का मतलब होता है गुरुजी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब, अरे समझ गए क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मैंने क्या कहा था आपको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चर घातांकी फलन। और गुरुजी चर घातांकी फलन ए की पावर एक्स का जो ग्राफ है ना, ए की पावर एक्स का ग्राफ गुरुजी इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, समझ जाओ। ए की पावर एक्स का भी इसी तरीके से बनता है और ई की पावर एक्स का ग्राफ भी इसी तरीके से बनता है, ध्यान रखना दोनों का, है ना। तो वो सर इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज मैंने बोल दिया था आपके पास जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू जीरो कभी नहीं होती है, इसकी वैल्यू जीरो कभी नहीं होती है, जीरो से लेकर इनफाइनेट जीरो इसकी वैल्यू होती ही नहीं है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बेटा जीरो नहीं होता है इसमें, इसमें जीरो इंक्लूड कर रखा है, तो जीरो तो इंक्लूड होता ही नहीं, जीरो आता ही नहीं, जीरो आता है माइनस इन्फिनिटी पे, तो माइनस इन्फिनिटी वैसे इंक्लूड नहीं है, परिभाषित नहीं है। आ गया, बच्चे इन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ए में और बी में, समझ गए बात को, क्या फ़र्क है? उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, इसमें जीरो इंक्लूड है, जबकि जीरो आता ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल में जीरो नहीं आता। चलो गुरुजी आगे चलिए। ओहो एक बच्चे ने कमेंट भी किया, गुरुजी इसकी रेंज बताओ हमारे को क्या होगी, है ना, इसकी रेंज। तो गुरुजी मैं बताता हूँ आपको, इसकी रेंज कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जब आपके पास कोई भी दो नंबर होते हैं, उनका जो AM होता है वो उनके GM से क्या होता है? ज़्यादा होता है। AM इज ग्रेटर देन क्या होता है? GM। मान लो बच्चा कि मैं नंबर है मेरे पास X और 1/X, ये दो नंबर मेरे पास है, तो इन दोनों का AM कितना होगा? अर्थमेटिक मीन दोनों का योग बटा दो होता है, दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है एक्स प्लस 1/X/2, और दोनों का जियोमेट्रिक मीन क्या होगा कि दोनों का स्क्वायर गुणा का स्क्वायर रूट। लो जी इस 2 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, इसका मतलब गुरुजी x प्लस 1/X है वो ग्रेटर देन है 2 से, इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा, सॉरी इक्वल भी आता है, 2 या 2 से बड़ा होगा, और 2 या 2 से बड़ा कहाँ होगा गुरुजी? 2 से लेकर इनफाइनेट। सी गलत है बेटा, जिसने भी आपको बता रखा है इसमें जो आपका बुक में कहीं मिलेगा ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर होता है। जब भी ऐसी संख्याएं आ जाएं तो ध्यान रखना आगे से, अगर ऐसा आ जाए e^(x+1/e^(x) ऐसा आ जाए, x²+1/x² आ जाए, ऐसा आ जाए, तो ध्यान रखना इनके केस के अंदर, इनके केस के अंदर इनकी जो रेंज होती है वो होती है 2 से लेकर इनफाइनेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है IIT के अंदर, ये क्वेश्चन IIT का है, ऐसा आता है, बस e^(x) लिखा हुआ जाता है, आपके लेवल में x लिखा हुआ गया, कोई फर्क नहीं है। आ गई बात समझ में? बेटा अर्थमेटिक मीन होता है ना दो नंबर का समांतर माध्य, कोई से भी दो संख्याओं का समांतर माध्य जो होता है वो उनके गुणोत्तर माध्य से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से हमेशा ज्यादा होता है, तो एक संख्या दूसरा उसका उल्टा दे रखा है तब अपन ये वाला केस लगा देते हैं, ठीक है? हाँ चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सीधा सा सवाल, बहुत सीधा सा, f(π/4) आपको पूछा है, f(π/4) बोलो। हाँ जी बताओ, जोश में कंजूसी है क्या बात है? 576 बच्चे लाइव हैं और लाइक की संख्या में बाहरी कंजूसी है, हैं? गाना गाना पड़ेगा है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहले गाड़ी से ही बिना लाइक करे निकल जाओगे। जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया उनके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं शायद लाइक करने के। हाँ जी पाई बाई फोर आप यहाँ पे रखोगे एक्स की जगह, तो 10π/4 की वैल्यू 1, तो 1 - 2/1 + 2 गुरुजी क्या आएगा? -1/3, बिल्कुल सीधा आंसर, -1/3। पाई बाई फोर रखना है, बस केवल पाई बाई फोर रखना है ना, पाई बाई फोर रखना है, ओनली एक्स की जगह पाई बाई फोर रखा, 10π/4 की वैल्यू होती है 1। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, गुरुजी यहाँ पर आपको एक्स की जगह माइनस का 9 रखना है, एक्स की जगह -9 रखना है, ओनली एक्स की जगह -9 रखना है, बोलो एक्स की जगह -9 क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर फटाफट से।
बोलो 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 क्या होगा? माइनस का 9 अगर आप रखोगे एक्स की जगह, तो माइनस 9 मतलब इसका स्क्वायर 81, तो 5 × 81, और माइनस 9 यहाँ पे रखोगे प्लस आपके पास 7, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 405, 405 और से 412, 412 में से अगर आप 72 माइनस करोगे तो 300, 340 बचेगा, 340, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है, 340 राइट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। कई बार रेंज का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से भी आ सकता है, कई बार रेंज का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो गुरुजी इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से समझो गुरुजी, इसके अंदर रेंज, ये पहला 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 जो एलिमेंट होता है ना, वो तो होता है डोमेन का एलिमेंट, है ना, डोमेन का एलिमेंट। और दूसरा 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 जो एलिमेंट है वो है आपके पास रेंज का एलिमेंट। क्या? रेंज का एलिमेंट, बिना रिपीटेशन के लिखना है भाई, है ना, 4 1 0, बिना रिपीटेशन के लिखना है, 0 1 4। आई क्या बात समझ में? बात समझ में आई क्या? हाँ, बिना रिपीटेशन के। पहला एलिमेंट तो रिपीट हो ही नहीं सकता, पहला एलिमेंट तो रिपीट हो ही नहीं सकता, रिपीट हो गया तो फंक्शन ही नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ, चलो जी आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके अंदर उलझेंगे बच्चे, इसके अंदर उलझेंगे, फटाफट से बोलना। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, एफ ऑफ -3 की वैल्यू आपको बतानी है, कौन सा फंक्शन -3 के लिए काम में आएगा, इसमें से -3 के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा, दिमाग लगा के बताना है। बोलो जी, बोलो 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 बोलो, क्वेश्चन नंबर 11, -3 के लिए कौन सा फंक्शन काम में आएगा, एफ ओ -3 पूछा है। तो बच्चा यहाँ पे देखना, एक्स की वैल्यू, ये कब काम में आएगा, ये कब काम में आएगा, तब काम में आएगा जब एक्स की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, जबकि -3 3 से ज़्यादा थोड़ी है, नहीं है, इसका मतलब ये तो काम में नहीं लेना। ये तब काम में आएगा जब -2 से 3 के बीच में हो, -2 से 3 के बीच में, तो -2 से 3 के बीच में भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये है गुरुजी, -2 से कम है, और -3 भी क्या है, -2 से कम, इसका मतलब ये काम में आएगा। और x की जगह -3 रखोगे तो -6 + 3, और राइट आंसर -3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया? फोर्थ ऑप्शन आ गया। क्या आ गया? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये लिमिट में काम में आएंगे ऐसी चीजें, लिमिट्स में। लो गुरुजी आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12, एफ एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स लॉग एक्स दे रखा है, कोस इनवर्स लॉग एक्स, तो इसके बारे में आपको बताना एफ वन की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही सीधा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत 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 सिंपल है। 3D से डर लगता है बेटा, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो उन सबसे डर लगता है हमारे को तुम्हारे से डर लगता है, तुम्हारे को हमसे डर लगता है बेटा। पहले डोमेन से भी डर लगता था, अब डोमेन आने लग गया, रेंज से डर लगता था, रेंज भी आ गई समझ में, पढ़ोगे तो सब आएगा, और 3D भी ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको सब कुछ आने लग जाएगा। बेटा F1 जब आप यहाँ पे रखोगे, log 1 की वैल्यू क्या है, 0, तो इसका मतलब कोस इनवर्स 0, और कोस इनवर्स 0 कब होता है गुरुजी, π/2 पे होता है ये, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सिंपल सा थोड़ा सा मेकअप वाला सवाल, 1 − x² / 1 + x² तो एफ ऑफ 10 थीटा किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 10 थीटा किसके बराबर होगा, इसका आपको जवाब देना है, एफ ऑफ 10 थीटा किसके बराबर होगा। बोलो 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 फटाफट से, एफ ऑफ 10 थीटा किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 10 थीटा बिल्कुल सीधा है गुरुजी, 10 थीटा जब आप यहाँ पे रखोगे तो 1 − 10² θ / 1 + 10² θ, तो इसका मतलब गुरुजी क्या है, ये है भाई cos 2 θ का फॉर्मूला बोलते हैं इसको, प्यार से cos 2 θ का फॉर्मूला बोलते हैं, इसका मतलब सही है, सही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। बेटा कल की क्लास जो आपकी लगेगी, तो ध्यान रखिएगा, कल की क्लास में, कल जो आपकी 9 AM पर क्लास लगेगी, उस क्लास के अंदर तो आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। जिसको भी पहले कोर्स करना हो ना, कोर्स फिनिश करना हो, वो देख लें, दोनों बैचों की क्लासें, दंगल बैच की क्लासें हैं ये, दंगल बैच के अंदर जो आपका स्टार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, कल स्टार्ट हो जाएगा आपका, दो ही क्लासों के अंदर फिनिश।
दूसरा 11 AM की जो क्लास है उसके अंदर पढ़ाऊंगा मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन का मतलब वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये सारे मैं कल की क्लास में कवर कराऊंगा और ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन देखते ही आंसर बिना पेन चलाएं, ये वादा है मेरा आपसे। लेकिन क्लास को पूरे मन से देखनी पड़ेगी। दूसरा काम, एक टेलीग्राम पर जाइएगा, एक ग्राफ का वीडियो है भाई, ग्राफ का वीडियो है, ये ग्राफ का वीडियो जरूर देख लेना, ये ग्राफ का वीडियो है जरूर देख लेना, क्योंकि बिना ग्राफ के ये वाली चीज़ें आपको अननोन लगेगी, ठीक है। हाँ, ग्राफ जरूर देख लेना, टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, कल शाम को 7:30 बजे कर दिया था। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14, आओ सर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ो। बोलो भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 भाई, क्या दे रखा है आपको, देखो एफ ओ एफ प्लस पाई पाई बाई थ्री, इसका मतलब दोनों में पाई बाई थ्री रखो और प्लस कर दो, कहाँ दिक्कत है, दोनों में पाई बाई थ्री रखो और प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एफ ऑफ पाई बाई थ्री प्लस पाई ऑफ पाई बाई थ्री, ये होता है, तो पाई बाई थ्री रख दो इसके अंदर दोनों में, तो इसका मतलब 3 साइन पाई बाई थ्री और प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई थ्री, ये ऐसा होता है, तो साइन पाई बाई थ्री का मतलब होता है अंडर रूट 3/2, और कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और स्क्वायर करोगे तो 1/4। अब आप एलसीएम लेके ऐड कर दो इनको, एलसीएम लेके ऐड करोगे तो पहला ऑप्शन आपके पास राइट है, सही है ना, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन में, सी गलत है बेटा, पहला ऑप्शन राइट होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है आपने। चलो गुरुजी, क्वेश्चन नंबर आपका 15, थोड़ा ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, मैंने हिंट कर दिया, एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मेकअप है, थोड़ा सा हल्का सा, हाँ सफ़ेद वाला पाउडर है, सफ़ेद वाला पाउडर, नाइसिल वाला लगाया हुआ है, उतार दो फटाफट से। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3/3 - x, क्या होगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर, फटाफट से क्या होगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अरे गुरुजी मेकअप था, ये तो पूरा पूरा मेकअप था, x माइनस का 3 है गुरुजी, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये भी x माइनस 3, अरे गुरुजी कैंसिल हो गया, और कैंसिल होके क्या आ गया, -1। बच्चा आप यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे तो भी -1 आएगा, x बराबर 2 रखोगे तो भी -1 आएगा, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्या अचर फलन, तो इसमें चाहे कुछ भी रखो -1 ही आएगा, इसका मतलब इसकी रेंज फिक्स है, वो क्या है, रेंज है सर -1। बेटा ये नहीं होगा, ये बी ऑप्शन जो आंसर दे रहे हो, क्योंकि रेंज और डोमेन जो होते हैं गुरुजी, रेंज और डोमेन वो क्या होते हैं, सेट होते हैं, रेंज और डोमेन एक सेट होता है, समुच्चय होता है, तो समुच्चय में लिखना पड़ेगा, और समुच्चय में लिखोगे तब आपके पास ऑप्शन नंबर डी राइट आएगा, सही है। हाँ जी, -1 जब आप दे रहे हो तो -1 तो बी ऑप्शन में भी है, डी में भी है, लेकिन डी राइट होगा। लो जी, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई। महामैराथन आ चुका है भाई फिजिक्स का, कब है देख लो एक बार, फिजिक्स का महामैराथन मिलेगा आपको सैटरडे को, संडे को नहीं इस बार, सैटरडे को ही होगा, इतना जोश जगा दिया कि आरसर एक दिन पहले ही जग गए, और वो भी कितनी बजे, शाम को 5 बजे, कहाँ, शाम को 5 बजे, कहाँ पे गुरुजी, वाईटी पर, वाईटी पर ही होगा, ये भी वाईटी पर ही होगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले सर कहाँ पीछे रहने वाले हैं, लो सर इंग्लिश वाले सर भी तैयार हो गए, इंग्लिश वाले सर भी तैयार, इस बार मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना, ये आगे निकल गए, 4 बंदे मेरे को सबसे पीछे छोड़ दिए, ग्रीन वाला मैं हूँ। हाँ जी, तो देख लीजिएगा, इंग्लिश का महामैराथन आपको आएगा संडे को मिलेगा, इंग्लिश का महामैराथन मिलेगा संडे को, कहाँ पे, वाईटी पर, कितनी बजे गुरु जी, 9:00 बजे, ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। लो जी अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, चलो जी। हाँ जी, जवाब दो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बेटा जवाब देना ध्यान से, -π/2 रखना है, -π/2 रखना है आपको,
एफ के अंदर रखना है, एक बार जी में रखना है और माइनस करना है। माइनस पाई बाई टू जब आप इसके अंदर रखने जाओगे तो साइन माइनस पाई बाई टू और प्लस कोस माइनस पाई बाई टू, ये तो रख दिया आपने किस में गुरुजी, एफ में, माइनस करना है और ये माइनस पाई बाई टू दूसरे के अंदर रख दो तो साइन स्क्वायर माइनस पाई बाई टू ऐसा आ जाएगा। साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन, कोस पाई बाई टू का जीरो, माइनस साइन पाई बाई टू का माइनस वन होगा लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस वन, लेकिन इससे मल्टीप्लाई होके माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू। तो इसका मतलब राइट आंसर डी ऑप्शन राइट है गुरु जी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन करवा दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 16। आओ चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ ध्यान रख लेना बेटा। मोड के जो ग्राफ है एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि एफ एक्स के बराबर अगर आपको दे रखा है मोड एक्स, ऐसा दे रखा है तो मोड एक्स का जो ग्राफ बनता है वो गुरुजी इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। और आपको वाई एक्स में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बन रहा है वाई एक्स में, गुरुजी वाई के अंदर नीचे तो कोई ग्राफ नहीं बन रहा, वाई में ग्राफ जीरो से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है। वाई में इधर देखोगे तो ग्राफ, इधर देखोगे तो ग्राफ, इधर देखोगे तो ग्राफ, वाई के अंदर ही ग्राफ बन रहा है ऊपर में, कहाँ से, जीरो से कहाँ तक, इनफाइनेट तक। गुरुजी इसी को तो बोलते हैं रेंज, कि वाई में ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी के अंदर, जीरो से लेकर इन्फिनिटी। इसका मतलब राइट आंसर जो आपका होगा वो कौन सा होगा बेटा, ये मोड एक्स माइनस, ये मैंने किसका बनाया मोड एक्स का, और मोड एक्स माइनस वन का अगर आप ग्राफ बनाने जाते हो मोड एक्स माइनस वन का, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आप इसको जीरो के बराबर कर दो तो गुरुजी एक्स बराबर आएगा वन। इसका मतलब ये जो शार्प एज आपका बना था पहले जीरो पे, अब नहीं बनेगा, अब बनेगा आपका वन पे, बनेगा वन कोमा जीरो गुरुजी यहाँ बनेगा। लेकिन गुरुजी कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, इसमें भी ग्राफ देखो जीरो पे भी बन रहा है, वाई में आगे चलोगे तो भी बन रहा है और आगे जाओगे तो भी बन रहा है, वाई में ग्राफ दोनों साइडों में कहाँ से कहाँ बनता है, ये लॉजिक मैंने ग्राफ वाली क्लास में सिखाया है। तो जीरो से लेकर इनफाइनेट है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है बेटा। सिलेबस हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस की टेंशन मुझे होनी चाहिए, सिलेबस की टेंशन तुम मत करो। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर आपका 18। चलो बताओ बेटा ये वाला फंक्शन कौन सा है, मुझे बता सकते हो क्या, इस फंक्शन का नाम क्या है, अगर आपको याद हो तो। इस फंक्शन का नाम याद है क्या किसी को, इस फंक्शन का नाम याद है क्या किसी बच्चे को, कि गुरुजी ये फंक्शन है कौन से टाइप का फंक्शन है, देखें। हाँ जी बोलो 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 फटाफट से, कौन से टाइप का फंक्शन है, देखें याद है तो किसी को बताओ, लिखो सिग्नम। क्या बात है, बच्चे जानने लगे, एयरफोर्स के बच्चे जानने लग गए भाई हैं। सिग्नम फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम का मतलब होता है चिन्ह फलन। मैंने कहा था या तो ऐसा लिखा हुआ आता है, या अगर आप इसको डिफाइन करते हो, इसको डिफाइन करोगे तो ये माइनस वन जीरो वन, एक्स की वैल्यू जब जीरो से कम होती है, एक्स बराबर जीरो होता है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है, तो गुरुजी ये फंक्शन ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इसके अंदर तीन वैल्यूज ही आती है, कौन सी, माइनस वन जीरो और वन, ये तीन वैल्यू ही आती है। इसका मतलब गुरुजी इस फंक्शन की जो रेंज है वो माइनस वन जीरो वन होगी, माइनस वन जीरो वन होगी, याद रहना चाहिए बच्चा, ठीक है, माइनस वन जीरो वन। इसको ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, नीचे मोड और ऊपर अक्ष लगा हुआ भी हो सकता है, तीन टाइप से आता है ये। लो जी गुरु जी क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9, बोलो जी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, क्या बात है, सुपर डुपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेकअप कर दिया गुरुजी। इसकी रेंज तो हमारे को पता थी, इसकी रेंज तो हमारे को पता थी क्या, माइनस का वन से लेकर आपके पास वन तक होती है, माइनस वन से लेकर वन तक होती है। अब बेटा जब आपके पास यहाँ पे ये लगा दिया क्या, जी आई एफ जब पीछे पड़ जाती है तो कुछ बाकी नहीं छोड़ती, जी आई एफ जब पीछे पड़ जाती है तो कुछ ही बाकी नहीं छोड़ती गुरुजी, माइनस वन और वन। बेटा ये जो जी आई एफ है ना, इसका मतलब ये जो पैसे निकालेगी वो पूरे पूरे दो दो हजार के नोट ही निकालेगी, मतलब इंटीजर वैल्यू निकालेगी। अरे 1500 रुपए ले ले मेरी जान, नहीं नहीं 1500 नहीं 2000 चाहिए आज तो, देख लो, समझ गए, अरे समझ गए क्या, इंटीजर वैल्यू बताओ माइनस वन से लेकर वन के बीच में, माइनस वन से लेकर वन के बीच में इंटीजर वैल्यू क्या क्या होगी। हाँ माइनस का वन होगा गुरुजी, जीरो होगा और वन होगा गुरुजी, तीन वैल्यू होगी इंटीजर, समझ रहे हो बेटा बात को, इस जीआईएफ का मतलब इंटीजर वैल्यू,
और इंटीजर वैल्यू माइनस 101 कौन सा ऑप्शन है गुरुजी? यहाँ पे करेक्शन कर लो, फोर्थ ऑप्शन राइट है, फोर्थ ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। माइनस वन भी होगा, जीरो भी होगा और वन भी होगा। क्लियर हुआ? हाँ, जब सर एयरफोर्स में लग जाएंगे तब देंगे। चलो जी, अगला सवाल, अगला सवाल बेटा। ये फंक्शन मेरे को बताना पहले तो, ये कौन सा फंक्शन है? देखिए किसी बच्चे को याद है तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, और मैंने डायरेक्ट इसकी रेंज लिखाई थी आपको, एफ एक्स के बराबर एक्स माइनस जी आई एफ ओ एक्स। पहले तो मुझे नाम बताओ, इस फंक्शन का नाम क्या है, क्या है इस बला का नाम है बुआ जी? हाँ बताओ 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 बताओ, क्या होगा इसका नाम, क्या था? अरे वाह बेटा, वाह बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या बात है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसका नाम, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफ पी आई बोलते हैं इसको, है ना। चलो बच्चा, इसका ग्राफ भी मैं बना देता हूँ। इसका जो ग्राफ बनता है गुरुजी, वो ऐसा बनता है, यहाँ पर आपके पास वन होता है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, जीरो, यहाँ पर वन, यहाँ पर आपका टू, यहाँ पर आपका थ्री, और इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसा इसका ग्राफ बनता है, ऐसा इसका ग्राफ बनता है, ऐसा इसका ग्राफ बनता है। ये वन है ना गुरुजी, ये जो वाई वन को है ना टच नहीं करता है, वन को टच नहीं करता है, तो ये हमेशा जीरो से वन के बीच में रहता है। जीरो पे तो टच करता है, वन पे टच नहीं करता, होलो स्पेयर है। मतलब गुरुजी जीरो तो होगा लेकिन वन नहीं होगा, जीरो तो होगा वन नहीं होगा, बताना मत किसी को सर। जीरो से लेकर वन, पहला ऑप्शन आपके पास इसमें राइट आ जाएगा। ध्यान रखना, भिन्नात्मक मान फलन बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में भिन्नात्मक मान फलन बोलते हैं। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20 का पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ जी, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर आपका 21, बोलो जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और जी एक्स साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, एफ इंटू जी बताना है, मतलब पाई बाई थ्री रखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी बोलो, एफ साइन एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जी एक्स बराबर है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, एफ इंटू जी बराबर आपके पास है पाई बाई थ्री। तो गुरु जी क्या करेंगे, ये पाई बाई थ्री यहाँ पे रखोगे तो आएगा साइन पाई बाई थ्री आ जाएगा, प्लस आपके पास कोस पाई बाई थ्री ये रखा, और यहाँ पे जब पाई बाई थ्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन साठ की वैल्यू कितनी, अंडर रूट तीन बटे दो, कोस साठ की वैल्यू वन बाई टू, और साइन साठ की वैल्यू अंडर रूट तीन बटे दो, अंडर रूट तीन बटे दो का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लिया तो इसका मतलब अंडर रूट तीन प्लस का एक बटा दो, और इसका मतलब है गुरुजी तीन बटे चार। लो जी काम हो गया आपका, तीन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब गुरुजी ये आया आपका सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ओहो, ये महामैराथन फिर से आ गई यार, ये बार बार आ जाती है, महामैराथन आ रही है बेटा, ध्यान रखना सैटरडे को, सैटरडे को ध्यान रखना शाम को 5 बजे, है ना, भंडारा लगेगा। ये लो भंडारे की एक और शुरुआत, ये भंडारा संडे को अजीम ने आना है ना, इंग्लिश का भंडारा और फिजिक्स का भंडारा। चलो जी, लो जी गुरु जी, थोड़ा सा मेकअप वाला कवा, थोड़ा सा मेकअप वाला सवाल। आप ज़रा इसको काउंट करने के लिए, आप सबसे पहले आपको दो बार रखना है यहाँ पे, दो बार रखना है, ध्यान रखना f ऑफ cos 2 थीटा है, और एक f आपके पास कहाँ है, बाहर है, है? हाँ चलो जी, इस बार मैथ्स का मेरा तो नहीं आएगा संडे को, ठीक है ना। हाँ, f ऑफ cos थीटा क्या होगा गुरुजी, इतना इतना बताओ, इतना इतना बताऊंगा तो गुरुजी क्या करो, x की जगह cos थीटा रख दो, f ऑफ cos थीटा cos 2 थीटा, तो यहाँ पे जब रखोगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस टू थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो गया गुरुजी 10 स्क्वायर, क्या 10 स्क्वायर। इसका मतलब एक बार रखने से तो 10 थीटा आया, अब ये जो सामान आया है इसको वापस एफ के अंदर रख दो, एक एफ और है, तो गुरुजी सामान आया क्या 10 स्क्वायर, इस 10 स्क्वायर को एक बार x की जगह टिका दो, तो ये आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, बात समझ में आई क्या, और ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। इसका मतलब राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, दो बार यूज करना है, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा मैं, कंपोजिट फंक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको ये और बता दूंगा।
चलो जी, चलो भाई आगे वाला सवाल, आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी सही करिएगा। हाँ करो करो फटाफट से। एफ ऑफ एक्स बराबर ये दे रखा है, तो सबसे पहली बात एफ ऑफ ए निकालना है, और एफ ऑफ ए के लिए क्या करोगे, ए अपॉन ए माइनस वन, ए अपॉन ए माइनस वन, और एफ ऑफ ए प्लस वन के लिए, ए प्लस वन के लिए एक्स की जगह ए प्लस वन लिख दो, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन माइनस वन, इससे ये कटा, ये ए चला गया ऊपर, ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन, ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। लो जी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, जरा ध्यान से देख लो ये चीज क्या है, इसमें इसमें क्या फर्क है गुरुजी, इसमें एक्स था इसमें क्या आ गया ए स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, ए स्क्वायर लिख दूं, तो गुरुजी एफ ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा, ये सी आंसर है, सी आंसर बना। इन दोनों के अंदर फर्क देखो, इस पूरे को सोल्व किया अपन ने, पूरे को सोल्व किया कैलकुलेट करके ये आया, ठीक है। अब इसमें और इसमें ओरिजिनल में फर्क देखो गुरुजी, यहाँ पे तो एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा ए स्क्वायर, तो आपके पास ही आंसर आया सी ऑप्शन, सीधी सी बात है यार। चलो जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। हाँ कि लाख दलदल हो, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखना, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर हाथ लगाए रखना, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जमता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं जमता, अरे बर्फ जमने तक हाथ लगाए तो रहना, बर्फ जमने तक हाथ लगाए तो रहना। तो बेटा बात यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अब उड़ाओ इस क्वेश्चन को, है ना, बढ़ाओ क्या होगा बच्चा। जब यहाँ पे देखोगे ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है, इस पूरी को जब आप एक्स की जगह लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग वन प्लस एक्स की जगह टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। गुरु जी यहाँ पर भी हम एक्स की जगह ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे तो टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, आ गई बात समझ में, यहाँ पे नीचे वन अज्यूम कर लो, वन अज्यूम कर लिया, तो गुरु जी जब हम एलसीएम लें ऐसा, एलसीएम लेने से हमारे पास ऐसा बनेगा ऊपर तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स, अब ये नीचे वाले एलसीएम से ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख रहा है क्या ऊपर किसी न किसी का फॉर्मूला, बिल्कुल गुरुजी नज़र आ रहा है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे, अरे नीचे भी नज़र आ रहा है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से गुरुजी स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को मैं पूरे का स्क्वायर लिख दूं तो क्या चलेगा क्या, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये स्क्वायर गुरुजी बाहर, ये दो आपका आगे आ जाएगा, और दो जब आपके पास आया तो ये क्या बना, ये बना एफ एक्स, इसका मतलब गुरुजी आंसर आएगा टू एफ एक्स, क्या आएगा टू एफ एक्स आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा है। हाँ तो कई कई बार है ना, जो अपने आस पड़ोस के अंदर कई लोग अपने को ताने बाने सुनाते रहते हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए चार लाइनें बोल दूं, अरे बहुत देख ली तेरी सुबह, बहुत देख ली तेरी सुबह बहुत खूबसूरत लगी, बहुत देख ली तेरी सुबह बहुत खूबसूरत लगी, अब मैं तुझे मेरी रात दिखाने वाला हूँ, अब मैं तुझे मेरी रात दिखाने वाला हूँ, और मेरे खिलाफ बोलने वालों सामने आ जाओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला हूँ, तुम्हारी औकात दिखाने वाला हूँ, इस कदर अपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं कि आप आराम से अपनी औकात दिखा सकते हो उन लोगों को जो बोलते हैं ना सिलेक्शन नहीं होगा, चार लाइनें सुना देना उनको, ठीक है। चलो बच्चा अगला सवाल, प्यारा क्वेश्चन, हाँ जी जवाब दो, जवाब दो क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर, एफ एक्स प्लस ए वाई, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं सिखाता हूँ आपको, जरा देखिए ऐसा दे रखा है भाई मेरे, एफ एक्स प्लस ए वाई दे रखा है और एक्स माइनस का ए वाई दे रखा है, बेटा ये जो कुछ ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या, इस संख्या को रिप्लेस करो आप कैपिटल एक्स से, क्या कैपिटल एक्स से, इसका मतलब गुरुजी एक्स प्लस ए वाई के बराबर तो हम क्या मान लें, कैपिटल एक्स को मान लें, और ये है एक्स माइनस ए वाई जो है इसको कैपिटल वाई मान लें, ठीक है कैपिटल वाई मान लिया मैंने, एक बार तो दोनों को प्लस कर दो, इसका मतलब टू एक्स बराबर गुरु जी एक्स प्लस वाई आएगा, क्या एक्स प्लस वाई, एक बार जब आप इनको माइनस करोगे, जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा टू ए वाई आएगा, बराबर ये आएगा गुरु जी एक्स माइनस वाई, दो का आप क्या कर दो इधर डिवाइड, और दो का आप क्या कर दो इधर डिवाइड, आप जो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो,
दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका a इंटू एक्स वाई, क्या a इंटू एक्स वाई, तो इन दोनों का भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई फोर आएगा। दोनों को x प्लस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और टू मल्टीप्लाई होके फोर। तो गुरुजी आपको यही तो पूछा था, इस पूरे को रिप्लेस किया मैंने x से, इस पूरे को रिप्लेस किया y से, तो मेरे पास ये आया। इसका मतलब गुरुजी f x कोमा y तो मेरे पास ये आया, अगर स्मॉल लिखूंगा तो स्मॉल लिख दो, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। हाँ चलो जी, लो जी अगला सवाल, 1/2 माइनस साइन 3x का परिषद, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं देखना चाहता हूँ देखिए कॉन्सेप्ट किन बच्चों ने कंप्लीट किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से बता दो। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने आपको भाई कॉन्सेप्ट सिखाया है, कॉन्सेप्ट सिखाया है गुरुजी, कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से सिखाया था, यहाँ से पकड़ना सिखाया गुरुजी, साइन 3x जो होता है वो माइनस 1 से प्लस 1 के बीच होता है, सही बात गुरुजी, माइनस की कमी तो माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो बात वही है ना, कान इधर से पकड़ोगे इधर से बात वही है गुरुजी, माइनस का साइन 3x है ना, वो भी आपके पास माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में ही होगा, कमी किसकी, 2 की, तो 2 आप सब के अंदर ऐड कर दो, 2 मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, 2 मैंने इसके अंदर जोड़ दिया और 2 ही मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, 2 इसमें जोड़ा तो ये 3 हो गया, तो इसका मतलब ये एक से किसके बीच में आया, 2 माइनस साइन 3x जो है वो आया गुरुजी एक से तीन के बीच में, एक से तीन के बीच में, अरे गुरुजी उल्टा कर दो, अभी तो बड़ा कौन सा उल्टा किया, एक का उल्टा किया एक, तीन का उल्टा किया एक बटा तीन, अब आप मुझे बताओ पहले तो इधर वाली संख्या बड़ी थी, अब गुरुजी इधर वाली संख्या, तो गुरुजी साइन तो चेंज होगा, उल्टा पुल्टा करने से साइन चेंज तब होता है जब ओरिजिनल जो सीक्वेंस हो उसका उल्टा हो जाए, इसका मतलब इसकी वैल्यू एक बटा तीन से एक के बीच में, और राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब भाई साहब काफी बच्चों को तो विश्वास नहीं होगा, इतने शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, बच्चा जिन्होंने डी आंसर दिया उन्होंने इक्वल का साइन नहीं देखा क्या, यहाँ पे इक्वल वाले साइन में तो बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, तो आपने भाई साहब डी आंसर कैसे दे दिया, आंसर तो बी आया था, आपका आंसर तो सेम आया था मुझे पता है, लेकिन आपने गलत टिक कर दिया होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं आप थोड़ा सा सहूलियत महसूस करेंगे, काफी बच्चों ने इसको आराम से कर लिया, अब आपके लिए मैं बता दूं ये क्वेश्चन सर एनडीए का नहीं है, ये क्वेश्चन आईआईटी का है, ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, और आईआईटी मेंस में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका, अब आप देख लो आपका लेवल किस तरीके से बढ़ गया है, आपका लेवल अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे यार आईआईटी के क्वेश्चन करने लगे, ये एक ही सवाल नहीं है गुरुजी आईआईटी का, एक ही सवाल नहीं है, पता नहीं आपने कितने कर लिए पता ही नहीं चला। ठीक है मैं पहले से लिख देता आईआईटी तो बच्चों रहे गुरुजी हमारे को आईआईटी के सवाल करवा रहे हो आप हमारे को आईआईटी के करवा रहे हो, अरे एयरपोर्ट्स का पढ़ा दो। लेकिन सर बात यह है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आईआईटी का क्वेश्चन सारा के सारे हार्ड आते हैं, ये आपके लेवल का था इस वजह से मैंने डाल दिया कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको डील करवाए हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, तो आपके सामने कॉन्सेप्ट के सामने कुछ भी नहीं लगता है, कोई कुछ नहीं लगता, आगे बात समझ में हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव से बेटा देखो बात यह है कि साइन एक्स जो आपके पास है वो माइनस वन से लेकर प्लस वन के बीच में था, ऐसा था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो किसका होगा प्लस का, ये किसका माइनस का, ये किसका माइनस का, माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा तो लोग क्या उखाड़ लिया अपन ने, माइनस का साइन एक्स भी माइनस वन से लेकर वन के बीच में ही तो है, बात आई समझ में, ये आपका डाउट था जो माइनस से रिलेटेड था। ठीक है तो आज की क्लास केवल इतनी ही, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, कल की क्लास के अंदर टाइम पर आ जाना क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेक्चर एक घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको एक घंटे में समेटने की, लेकिन ग्राफ पढ़ के आना प्रोमिस करके जाओ गुरुजी ग्राफ पढ़ के आएंगे, बिना ग्राफ के बेटा देखो मैं हाथ जोड़ता हूं मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, बिना ग्राफ के नहीं समझा पाऊंगा, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो तो ग्राफ सीखना पड़ेगा, ग्राफ सीखना ही पड़ेगा, वीडियो मैंने अभी और मैं पोस्ट कर दूंगा देख लो, अभी 10 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूं ना अभी जाके देख लो चाहे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करके कुछ ग्राफ याद कर लेना वो काम में आएंगे आपके। ठीक है बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक उसमें बता रखी है। चलो ठीक है बेटा अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, इंग्लिश की क्लास है 4 PM पर, ध्यान रखिएगा।